आइसोमेरिज्म, यह एक स्वतंत्र टॉपिक है और इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं सब में होता है। इसलिए सब जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बदले एक जगह इस टॉपिक का, इस पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर लें। पहले डिफाइन करें कि यह क्या है, ये वर्ड का क्या मीनिंग है। ये ग्रीक वर्ड आइसोस, जिसका मतलब इक्वल, और मीरियोस, जिसका मतलब पार्ट्स। इस दो वर्ड आइसोस और मीरियोस से बना है आइसोमर। अब आइसोमर से रिलेटेड फिनोमेनन को कहेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स किसको कहते हैं और आइसोमेरिज्म का क्या मीनिंग हुआ? इक्वल पार्ट, तो आइसोमर्स किसको कहेंगे? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और टू और मोर फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड हैविंग टू और मोर फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड having different three-dimensional orientations are called isomers of each other, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड द फेनोमेनन, और यह जो फेनोमेनन है जिसके वजह से फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म होता क्यों है? What is root cause of isomerism? The root cause of isomerism is directional nature of bond. Directional nature of bond. तो isomerism होता क्यों है? Is due to directional nature of bond. Directional nature of bond, bond के directional nature के कारण। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि directional nature का क्या मतलब हुआ bond का? तो directional nature of bond का meaning हुआ working या effective in a particular direction,
एक विशिष्ट दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्टिव होता है, जो काम करता है, वैसे को कहेंगे हम लोग डायरेक्शनल। प्रश्न अब उठता है कि कौन कौन से बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डायरेक्शनल या आर हैविंग डायरेक्शनल नेचर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म की फेनोमेनन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमर्स जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, जिसको वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्यों होता है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। आइसोमेरिज्म को हम लोग दो भागों में पहले सेपरेट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमेरिज्म। आज हम लोग पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म, और साथ ही में हम लोग मेटामेरिज्म को भी डिफाइन करेंगे। मेटामेरिज्म हालांकि आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम टर्म ऑफ नेमिंग, ठीक है। तो एक आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म के अतिरिक्त हम लोग मेटामेरिज्म को भी डिस्कस करेंगे, जो कि IUPAC सिस्टम में नहीं होता है। कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में मेटामेरिज्म कंसिडर किया जाता है, मेटामर्स कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें इस समय हम लोग कंसिडर करेंगे टू डाइमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब हम जो विभेद करेंगे, क्या कहें, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ जो विभेद करेंगे, इस समय स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे टू डाइमेंशनल। तो आइए हम लोग पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करें, और जो दूसरा है जिसको हम लोग स्टीरियोमेरिज्म कहते हैं, इसको हम फिलहाल स्पेस आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। स्टीरियोमेरिज्म भी इसी को कहते हैं। तो ये होगा थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन को व्यू में रख करके
और स्ट्रक्चर होगा, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंसिडर करके। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हम लोग दिमाग में रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशन आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग डिफाइन किए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग चार कार्बन का अनब्रांच्ड अल्केन लिए ब्यूटेन, और अब इसी मोलेकुलर फॉर्मूला से एक ब्रांच अल्केन लिए 2-methyl propane। तो इस दोनों में जो विभेद है, आप इसके टू डायमेंशन इसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब टेट्राहेड्रल डिजाइन का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, टू डायमेंशन में ही हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि ये C4H10 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। जैसे इस दोनों को हम लोग टू डायमेंशन में ही देख करके समझ सकते हैं कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है C3H6O, लेकिन एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ चेन में डिफरेंस है, चेन चार का है, यहाँ मेन चेन तीन का है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में अंतर है। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आए। अब डिफरेंस कहीं चेन का होगा, कहीं फंक्शनल ग्रुप का होगा, कहीं साइक्लिक ओपेन चेन का होगा, कहीं आइसोटोप्स का अंतर होगा, कहीं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट का होगा। तो इसलिए हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी फर्दर सब डिवाइड करके पढ़ें। तो पहला हम लोग लें चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला पार्ट चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, यहाँ न्यूक्लियस से हमारा तात्पर्य न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, और इसका मतलब होता है दी मेन चेन और साइकिल ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है जो मेन चेन या मेन साइकिल उसको कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए यहाँ हमारा कंसेप्ट न्यूक्लियस से एटम के न्यूक्लियस से नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के न्यूक्लियस से है। तो जैसे हम लोग लिखे थे
से जस्ट एग्जांपल लिए थे, ब्यूटेन और 2-methyl propane। तो जब हम लोग इसका नेमिंग करते हैं तो ब्यूटेन तो न्यूक्लियस हो गया 4 कार्बन का, और यहाँ कह रहे हैं 2-methyl propane तो ये न्यूक्लियस हो गया 3 कार्बन का, क्योंकि मेन चेन 3 कार्बन का है। तो अब हम लोग चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म एंड चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स को डिफाइन करें। दो या दो से अधिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला, जिसका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन, और जो मेन चेन है उसी को कहेंगे हम लोग न्यूक्लियस चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स कहेंगे। एंड द फेनोमेनन इज चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, क्या कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, और स्ट्रक्चर में अलग का कारण क्या हो, जैसे अभी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे थे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप का अंतर था कहीं चेन का, अब यहाँ क्या कर रहे हैं मेन चेन जो कहीं और उस कंपाउंड का न्यूक्लियस कहलाता है उसमें डिफरेंस के कारण जब हो तो कहेंगे चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स, और इस फिनोमिनल को कहेंगे चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। मान लें हम लोग n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किस में कंपाउंड में नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स मान लें हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं यहाँ, बराबर हो जाएगा 2^(n-4+1) जहाँ n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसका वैल्यू कितना हो 4 या 4 से अधिक। अगर n बराबर 1, 2, 3 हो तो नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स हो जाएगा 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, मतलब वह चेन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या चाहिए, 2 और मोर कंपाउंड्स क्या 2 और मोर फॉर्म्स, और यहाँ क्या है रिजल्ट एक ही है, तो आइसोमर्स कितना हो जाएगा 1, मतलब आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें हम लोग, जैसे अगर n बराबर अगर 4 रखते हैं जैसे C4H10 के लिए, तो a बराबर 2^(4-4+1), 2^0+1 बराबर 1+1 बराबर 2, दो चेन आइसोमर्स होंगे, एक जब मेन चेन 4 कार्बन का हो ब्यूटेन
और दूसरा जब मेन चेन 3 कार्बन का हो, 2-methyl propane, ये क्या है, ये दोनों क्या है, आर चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ C4H10। अगर हम अगला एग्जाम्पल है C5H12, तो n का वैल्यू 5, यहाँ हो जाएगा 5-4, 2 का पावर 1 तो 2 प्लस 1 तो 3। इसलिए अब ये कौन सा हो जाएगा, एक बार हम लोग मेन चेन 5 कार्बन के लिए, तो ये हो जाएगा पेंटेन। टू मिथाइल ब्यूटेन, देखिए न्यूक्लियस बदल गया, यहां 4 का हो गया, यहां 5 का है, और टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये क्या हो गया, ये तीनों हो गया चेन आइसोमर्स किसका, C5H12 का, C5H12 का। पहला है पेंटेन, दूसरा है पेंटेन 2-methyl butane, और तीसरा है 2-2-dimethyl propane। यहाँ जो न्यूक्लियस है, मेन चेन है, वो 3 कार्बन का, क्या कहेंगे, आर चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12। जनरली हम लोग कहते हैं C5H12, हम लोग कह देते हैं पेंटेन, लेकिन आप सोचिए इस फॉर्मूला से 3 चेन आइसोमर्स है, आप नाम एक का कह रहे हैं, तो आप 1/3 सत्य बोल रहे हैं या 1/3 आंसर ही बोल रहे हैं। अगर कोई कहे कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तब हम कहें C5H12, तो ये पूर्ण सत्य हुआ। लेकिन C5H12 का क्या मीनिंग हुआ, तो हमको तीनों बोलना चाहिए, पेंटेन कह करके काम खत्म नहीं करेंगे। मान ली क्वेश्चन है कि कितने चेन आइसोमर्स होंगे C10H22, हम लोग कहते हैं कि डिकेन है, केवल डिकेन है, एन बराबर यहाँ हो गया 10, तो ए बराबर व्हाट, तो ए क्या है, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स, 2^10-4+1 बराबर 2^6+1=65। मतलब इस फॉर्मूला से 65 चेन आइसोमर्स, केवल चेन आइसोमर्स, चेन में डिफरेंस वाले 65 कंपाउंड को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम कहते हैं C10H22 का मतलब हो गया डिकेन, तो ये तब हुआ सत्य जब कहा जाए कि दी कंपाउंड हैज नो ब्रांचिंग। अगर ये नहीं कहा गया है C10H22 और तब आप डिकेन बोल रहे हैं, तो केवल चेन आइसोमेरिज्म के रिस्पेक्ट में 1/65 भाग ही आप सही बोल रहे हैं।
चलिए अब इसके बाद हम लोग आए पोजिशनल आइसोमेरिज्म में, या आप लोगों को जो लिखा हुआ पीडीएफ भेजा जा रहा है उसमें चेन के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया गया है। तो चलिए दूसरा हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। किसके चलते डिफरेंट स्ट्रक्चर? ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, और ये डिफरेंस किसके चलते स्ट्रक्चर में? ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, एंड द फेनोमेनन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जिस फेनोमेनन के कारण दो या दो से अधिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो तो कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहां समझने का बात है कि फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसी कंपाउंड का वह पार्ट जिस पर कि उसके मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम और सेम जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला तो कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब यहां फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इसलिए वो अलग अलग होमोलोगस सीरीज में होगा, इसलिए इसके फिजिकल और केमिकल, फिर से समझिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्वाइट डिफरेंस होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल लें हम लोग, जैसे अल्कोहल और ईथर के बीच, यहां फंक्शनल ग्रुप हो गया OH और यहां हो गया ईथर, ये हो गया इथेनॉल और ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C2H6O। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस किसके वजह से है?
फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण। उसी तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उतने ही कार्बन से एस्टर, जैसे ये हो गया इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और उसी फॉर्मूला से हम लोग एस्टर लिए, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। तो ये दोनों क्या हो गए, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C2H4O2। इसी तरह से अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन में जैसे ये हो गया अल्डिहाइड ब्यूटेनल, ब्यूटेनोन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8O। तो यहां देख रहे हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहां कीटोनिक ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C4H8O। और भी हो सकता है, जैसे मान लो दो एक तीन, दो पांच तीन आठ, कार्बन चार, ओ फॉर्मूला सेम है, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप इधर है, नेमिंग इधर से करेंगे, थ्री मिथॉक्सी प्रोपीन, यहां मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। ये अल्डिहाइड और करस्पॉन्डिंग कीटोन, उतने ही कार्बन वाले अल्डिहाइड और कीटोन के बीच फंक्शनल आइसोमेरिज्म काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच। अब हम लोग तीसरा डिस्कस करेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस का आधार जब चेन था तो चेन आइसोमेरिज्म, जब फंक्शनल ग्रुप था तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और जब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो तब कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगले क्लास में हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म के साथ साथ मेटामेरिज्म को डिस्कस करेंगे।